हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ में इंग्लिश में हमारा चैप्टर है यूनिट 6, जिसका नाम है द गर्ल विथ मैजिक आईज। वो हम वर्कबुक में देखने वाले हैं। इसमें भी क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड दिए है, जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में कहा था कि मीनिंग देखेंगे, वही वर्ड्स है। टू डिसअपीयर, टू डिसअपीयर यानी कि टू गो अवे, यानी कि गुम हो जाना, वहाँ से चले जाना। टू शिवर यानी कि टू ट्रेम्बल विथ फियर, डरना, डर के मारे कांपना, शिवर यानी कि। टू हग, हग यानी कि जो हम गले लगाते हैं वो। टू होल्ड क्लोज। टू फ्लोट यानी कि हवा में घूमना। टू मूव इन द एयर, हवा में रहने का। टू गिगल, गिगल यानी कि टू लाफ, हंसना, लाइटली हंसना। वो था ना सेंटेंस जो लेवी एंड रिया बुक के पीछे मुंह छुपा के हंसते थे थोड़ा थोड़ा, वो। टू होल्ड, टू कैच, पकड़। टू स्नैच, टू टेक अवे, छीन के ले लेना, टू टेक अवे। टू वंडर, टू थिंक ए फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, यानी कि कुछ फीलिंग होना, अमेजमेंट, अद्भुत फीलिंग होना। वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड यानी कि विथ गुड मैनर्स, अच्छी मैनर्स वाला। स्टंड यानी कि शॉक, शॉक हो जाना। तो आप एक काम करना, वर्कबुक में कंप्लीट कर देना, ओके। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमने टेक्स्ट बुक में तो देखा, लेकिन अभी ये फिर से देख लेते, ओके। तो ए वाला जो वर्ड है वो ढूंढने का है, तो नहीं है। फिर बी, बी वाला है, यस बी वाला है। ये रहा बियर्ड एंड दूसरा है बून, तीसरा है यस बॉटल है। तो सबसे पहले बी के बाद कौन सा आएगा, सेकंड लेटर देखना पड़ेगा हम तीनों को, तीनों वर्ड्स के। तो यहाँ पे ई है, ओ है एंड यहाँ पे ओ है। तो हम पहले ई आएगा तो बियर्ड वाला वर्ड आएगा, फिर नेक्स्ट है ओ वाला आएगा, लेकिन दोनों में ओ है तो थर्ड लेटर देखना पड़ेगा। यहाँ पे टी है, यहाँ पे ओ है, तो ओ वाले पहले आएंगे ना, टी तो बाद में आता है ना। तो कौन सा आएगा, बून आएगा थर्ड, सेकंड में। थर्ड में आएगा बॉटल। फिर नेक्स्ट है सी आए, सी वाला वर्ड नहीं है, डी नहीं है, ई वाला नहीं है, एफ वाला भी नहीं है, जी वाला भी नहीं है, एच वाला है। तो एच में कौन सा आएगा, हाउस, एच ओ यू एस सी, हाउस। फिर नेक्स्ट आएगा एच के बाद आई है, नहीं है, जे के एल वाला है, यस लाइट है, तो लाइट। फिर एल लाइट लिखा ना, एम आएगा, एम वाला है, यस मैजिक है। फिर एन नहीं है, ओ नहीं है, पी है, यस। तो पी में कौन सा है, एक ही है ना, पावर अकेला है, तो पावर आएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, क्यू वाला है, नहीं, आर नहीं, एस है, एस वाले दो है, एक तो स्ट्रेंज है एंड एक स्ट्रीट है। तो हमें सेकंड लेटर देखना पड़ेगा ना, तो स्ट्रेंज में पहले एस टी, तो दोनों में ही, लेकिन थर्ड देखना पड़ेगा, थर्ड में भी आर आया है, और फोर्थ लेटर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए ना, तो स्ट्रेंज वाला आएगा, यहाँ पे ई है तो स्ट्रेंज वाला पहले आएगा, तो स्ट्रेंज आएगा, फिर स्ट्रीट आएगा। फिर टी वाला आएगा, तो टी वाले वर्ड कहाँ पे, एक तो टॉपिक है एंड एक टावल है। तो पहले हम देख लेते हैं सेकंड लेटर, दोनों में ओ है, फिर थर्ड लेटर देखते हैं, पी है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो पी पहले आता है ना, तो टॉपिक पहले आएगा, फिर टावल आएगा, एंड नेक्स्ट है लास्ट लेटर बचा वाटर, तो वाटर, ओके। अब आए हम नेक्स्ट पेज। पेस्ट पिक्चर्स ऑफ टू वेल नोन प्लेसेस इन इंडिया, राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट ईच प्लेस, ओके। मैंने आपको टेक्स्ट बुक में कहा था कि दो जो वेल नोन प्लेसेस है, तो उसको आपको क्या करने का, यहाँ पर फोटो चिपकाने का है एंड नीचे इसके बारे में 5 to 6 सेंटेंसेस लिखने के हैं। तो आपको दो पेज दिए, तो मैं आपको दो पिक्चर दिखाती हूँ, एक काम करना आप लिख देना, ओके। वेल नोन प्लेस में तो एक तो सबसे पहले आएगा ताजमहल आएगा, दी ताजमहल। तो एक काम करना है, ताजमहल की फोटो चिपका देना एंड इसके बारे में जो नीचे लिखा है कि दी ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज
इन आगरा, वो आगरा में आया हुआ है. इट इज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, यमुना रिवर के ऊपर बंधा हुआ है. इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल. ओके, तो ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपनी जो बीवी थी मुमताज उनके याद में. इट इज बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल, ये वाइट मार्बल से बना हुआ है. ओके, एंड सेकेंड है दी हवा महल. तो दी हवा महल में पिक्चर आपको दिखाई देता होगा, दिखाई देता ना. एक काम करना, इंटरनेट पे सर्च करना गूगल पे, तो भी आ जाएगा. तो फोटो चिपका देना एंड इसके बारे में जो नीचे सेंटेंस दिए तो देख लेना. दी हवा महल इज इन जयपुर, वो जयपुर में आया है. एंड जयपुर कहाँ पे आया है, राजस्थान में. इट इज मेड ऑफ रेड एंड पिंक स्टोन, एक रेड एंड पिंक स्टोन से बना हुआ है. दी हवा महल वॉज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ये किसने बनवाया था, सवाई प्रताप, महाराज सवाई प्रताप थे, उन्होंने बनवाया था. इट हैज फाइव फ्लोर्स है, फाइव मार है. इट इज 50 feet हाई, इसकी हाइट है 50 feet है. इट हैज 953 स्मॉल विंडोज, वहाँ पे 953 क्या है, स्मॉल छोटी छोटी विंडोज है कॉल्ड जरोखास. जो 953 विंडोज है उसे जरोखास बोलते हैं. इट इज राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी, ये सिटी के मिडल में आया हुआ है. ओके, तो ये है ताजमहल है, इसके सेंटेंसी से वो लिखते ना. एंड नेक्स्ट है हवा महल है, तो इसके बारे में भी आप 5 to 6 सेंटेंसेस लिख दें. ओके, तो हम वहाँ तक रखते हैं. अब जो सिंपल पास्ट टेंस है वो हम पहले लैंग्वेज में देखेंगे, बाद में फिल करेंगे. ओके, जो हमारे आगे के भी ब्लैंक्स बाकी वो भी हम बाद में कंप्लीट कर देंगे. ओके, सो थैंक यू.